ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो जिंदगी हमें मिली है कुदरत से, ईश्वर से एक जो ऊर्जा मिली है, क्या इस जिंदगी को हम सही ढंग से जी रहे हैं या सिर्फ जिए जा रहे हैं? जी इस तरह से रहे हैं जैसे कभी मरना ही नहीं है, और जिंदगी को इस तरह से छोड़ के चले जाते हैं जैसे कि कभी ये बंदा जिया ही नहीं है। चारों तरफ जब जिंदगी मिली है तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस, तनाव और डिप्रेशन से लोग घिरते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है ऐसा कि डिप्रेशन ये लेवल तक पहुंच जा रही है जहां पे मौत सस्ती लग रही है और जिंदगी एकदम जी नहीं सकते आप। इतनी कठिन, इतनी परेशानी लग रही है हमें कि हम इस जिंदगी को नहीं जी के एक मौत को कुछ लोग अपना ले रहे हैं। क्यों? आखिर कारण क्या है इसका? क्या सिर्फ तनाव, डिप्रेशन? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे इस तरह से ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सबको पता है कि ये जिंदगी हमें टेम्पररी, ये जीवन है कुछ क्षणों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए हम यहाँ पे हैं। ये बात क्यों नहीं हमारे ध्यान में आती है? कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं रहना है, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए सब यहाँ पे मेहमान हैं। ये एक लाइफ है। जिस तरह से एक मूवी शूट होती है, एक थिएटर में आप पिक्चर देखने जाते हो, 3 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, या सीरियल देखते हो कुछ टाइम के लिए। ठीक ये जीवन, ये लाइफ, इस शरीर में भी एक ऊर्जा है जो कि हमें एक रोल मिला है, आपको एक रोल मिला है, एक पात्र हम निभा रहे हैं। मैं एक पात्र निभा रहा हूँ, आप एक पात्र निभा रहे हो। इस पात्र को बेहतर ढंग से निभाइए, क्योंकि जब वो डायरेक्टर हम एक एक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, जब ईश्वरी रूप और डायरेक्टर जब हम अपने पात्र को खत्म करके वहां जाएं, तो उस अवार्ड के लायक रह सके हम। आखिर किस बात का तनाव है? पैसे का, नेम, फेम? आप सबने देखा, मैं देख रहा हूं कि जिनके पास नेम है, फेम है, लास्ट में क्या सुसाइड करके अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब नेम और फेम का कोई भी कारण नहीं है तनाव होने का, बाकी बहुत सारे कारण हैं। और वो कारण ये है कि इंसान बहुत तेजी से दौड़ रहा है आगे की तरफ इस रेस में, लेकिन अंदर उतना ही खाली और अकेलापन होते जा रहा है। इस दुनिया में आप चारों तरफ चकाचौंध दिखाने के लिए तेजी से दौड़ रहे हो, मुझे ये चाहिए, ये हासिल करना है, वो चाहिए, फलाना फलाना, और अंदर से हम उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। क्या कभी हमने अपने सांसों के प्रति जानने की कोशिश की है? नहीं। कुछ क्षणों के लिए, मैं कहता हूं सिर्फ कुछ क्षणों के लिए, 5 मिनट के लिए आप एक बार सिर्फ एकांत में अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हुए अपने सांसों के प्रति जागरूक होइए। बहुत दौड़ लिया है, हम बहुत दौड़ लिए आगे की तरफ, इस दुनिया की तरफ। अब ये समय है थोड़ा अंदर की तरफ आ जाओ, थोड़ा अपनी इंटरनल एनर्जी जो हमारी औरा है उसकी तरफ थोड़ा आके देखते हैं कि ऐसी क्या एनर्जी हम खान लेके बैठे हैं यहाँ पे। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, ये बहुत ही खूबसूरत है। हम इस चकाचौंध भरी दुनिया के आगे की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन असली असली जो चकाचौंध भरी दुनिया वो अंदर पड़ी है, जहाँ हम कभी झांकने का प्रयास नहीं कर रहे, कभी नहीं देखना चाहते हैं, और हम अकेले होते जा रहे हैं। फिजिकली बहुत, इमोशनली जीरो, इमोशंस बहुत जीरो होते जा रहा है। मन हमारे बेकाबू है, और मन का हारा इंसान पूरे जग से हार जाता है। ये बार बार मैं कहते आया हूं। इसलिए अपने इस इंटरनल जर्नी, अंदरूनी यात्रा की तरफ थोड़ा या कुछ समय थोड़ा ध्यान कीजिए, अपने सांसों को पहचानिए, और इस बात को बिल्कुल भी दिमाग से मत जाने दो कि एक दिन सबको मरना है। सॉरी टू से, बट मैं बहुत शब्द क्लियर कट बोल रहा हूं कि एक दिन सबको मरना है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं रहने वाला है। जब एक दिन सबको मरना है तो मौत जिसने हमारी लिखी है ईश्वर ने, उसके अनुसार ही होने दो ना। क्यों अपने आप को खत्म कर रहे हो? कोई जरूरत ही नहीं है। हमें जो रोल मिला है, जो खेल खेल रहा, पूरा खेल खत्म करो, पूरे रोल को निभाओ ना, कि बीच से ही निकल जाओगे। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता, हर कोई यहाँ महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जिस पत्थर को हम पूजते हैं ईश्वरी रूप में, उससे भी हथौड़ा झेलना पड़ता है। उस आकार में आने के लिए हथौड़े की चोट पड़ती है। तो अगर हमारी जिंदगी में भी थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा चढ़ाव, थोड़ी परेशानियां आ रही हैं, तो समझो आपको हथौड़े पड़ रहे उस ईश्वर की, आप और भी निखर के आओगे। वहां घबराना नहीं है। अभी ये कोरोना काल जो चल रहा है, क्या हुआ, जिंदगी खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गया? नहीं, हम सब उस संकल्प के साथ फिर से उतरे हैं, वंस अगेन फिर से उस जिंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश करते हुए जीने का जज्बा अपने दिल में बना के रखना है। मौत से डर नहीं लगता, डरना है तो अपने उस मन से डरो जो कि आपकी मन की स्थिति को, आपकी एनर्जी को गिरा दे। इसलिए अपने मन की स्थिति को बहुत आगे रखो। देखो लाइफ मिली है, परेशानियां आएंगी, उतार चढ़ाव जिंदगी का, एक बारिश का मौसम जैसे है, बारिश को आप नहीं रोक सकते हो, बारिश आएगी ही आएगी। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप घर से बाहर नहीं जाओगे, काम पे नहीं जाओगे। भाई बारिश आ रही है, बारिश से बचने के लिए आपके पास छाता है, अम्ब्रेला है, रेनकोट है, अपने आप को उससे बचा सकते हो। इसी तरह लाइफ मिली है तो परेशानी आएगी, जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे कष्ट आएंगे। इसका मतलब तो ये नहीं कि जिंदगी आप खत्म कर सकते हो। अगर परेशानी आ रही है तो उसका डट के मुकाबला करो, और मुकाबला करके अपने आप को स्ट्रांग रखो। लाइफ क्या है, परेशानी क्या है, अगर आई है तो जाएगी भी, क्योंकि जो चीज आती है वो जाती भी है। जैसे सांस आ रही है ना, तो जा रही है। ये लाइफ मिली है तो एक दिन खत्म भी होगी। और एक बात गांठ बांध के मान लो कि ये लाइफ टेम्पररी है। हमेशा आप जिंदगी भर यहाँ नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले हो। हमारी कुछ समय के लिए यात्रा है, तो प्रेजेंट में जियो, लाइफ को वर्तमान में जियो। अगर प्रेजेंट में जी सकते हो तो यकीन मानो कभी कोई डिप्रेशन में नहीं आओगे आप। होता क्या है, हम पास्ट को लेके चले जाते हैं, जहां हमें गिल्टी, बहुत सारी गिल्टी फील होती है, या तो फ्यूचर की तरफ आते हैं जहां पे कि माइंड में एंजाइटी, फियर होता है, अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा। जैसे कोरोना की अगर मैं बात करूं, कब खत्म होगा, सितंबर में खत्म होगा, नहीं होगा, क्या होगा? अरे मेरे भाई, जिसके लिए भी होगा सबके लिए एक समान होगा। खाली आपके लिए वो प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, सबके लिए होगा। तो इसलिए प्रेजेंट में रहना सीखो, प्रेजेंट में रहना सीखो, प्रेजेंट को ही अपना अच्छा बनाओ। अगर आपने अपने प्रेजेंट को बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल बना लिया, तो फ्यूचर अपने आप बढ़िया होगा। कुछ समय अपने फैमिली के साथ बिताओ, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करो, लाइफ में ऐसे एक फ्रेंड्स रखो जिससे कि आप अपनी सारी दिल की बातों को शेयर कर सकते हो। चलो मान लिया कोई फ्रेंड्स नहीं है, अपने अंदर आ जाओ यार, अपने इंटरनल एनर्जी से बात करो। कभी इस इंसान से बात करके देखो, अपनी जो इंटरनल एनर्जी है, जो ऊर्जा हमारे अंदर है, आंखें बंद करके आप चले जाओ एक 15-20 साल पीछे, 15-20 ईयर्स बैक चले जाओ, और कुछ क्षणों को याद करो सिर्फ आंखें बंद करके। उसके बाद अपने सांसों के प्रति थोड़ा जागरूक हो, ध्यान में बैठो, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। लाइफ है, कुछ न कुछ परेशानियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए हमें। अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाओ, और जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर आप अपनी लाइफ में सोचोगे कि यार मेरी लाइफ तो बहुत डिप्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो ईश्वर तथास्तु करके वही सब सारी चीजों आपको देगा। अगर आप आज से, अभी से ही बोलोगे यार मेरी लाइफ बहुत ही, मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझ रहा हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में बहुत पीस है, हैप्पी है, मैं चारों तरफ अच्छे लोगों से सराउंडेड हूँ। आप इस बात को, इस अफर्मेशन को देख के, महसूस करके देखिए। देखिए आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। परेशानियां इज अ पार्ट ऑफ लाइफ यार। सी प्रॉब्लम्स विल कम एंड गो, दैट इज इट्स कॉल्ड ए लाइफ। आपने अगर कभी ईसीजी देखा होगा, जब भी हार्ट पे लगाते हैं कैसे चलती है धड़कन, ऐसे चलती है ना, नीचे ऊपर इस तरह से आती है ना, ऊपर नीचे। तो जिंदगी भी ऐसे ही है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तभी उसकी मजा है। स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ना, तो आप देखते हैं मूवी में देखा होगा आपने, जैसे स्ट्रेट लाइन आता है डॉक्टर बोलता है गेम इज ओवर, ही इज नो मोर सॉरी। तो जिंदगी में भी स्ट्रेट लाइन नहीं आना चाहिए, थोड़ा उतार चढ़ाव होना जरूरी है, तभी जिंदगी का असली मजा है। इसलिए अपनी जिंदगी को जैसे हो, जिस रूप में हो, खुशनुमार हो, 100% हो। लोगों का क्या हो, कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप अपने काम को 100% दो। जो भी काम कर रहे हो, प्रोफेशनल है, पर्सनल है, फैमिली के साथ, जो भी 100% दो और भूल जाओ, छोड़ दो उस ईश्वर के ऊपर बाकी सब चीजें। देखो आप क्या होता है। सबसे बड़ा जो जरूरी है, वर्तमान क्षण में जियो, इस वर्तमान को अच्छे ढंग करो, क्योंकि फ्यूचर का, भविष्य का सोच के आप एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन में जाते हो और वर्तमान को भूल जा रहे हो, और यही वर्तमान भविष्य को खराब करता है। तो लिव इन प्रेजेंट, और इस बात को ध्यान रखो कि ये टेम्पररी है पीरियड, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ये टेम्पररी है, ये समय भी निकल जाएगा। ये बात ध्यान करके रखो और अपना 100% दो। अगर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, मैं उसको फेस करूंगा, ऊपर वाला है, नेचर है, हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। ये इंसान का जो शरीर मिला है, हमारी ऊर्जा मिली है, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। पूरे पृथ्वी पर ऐसे कितने प्राणी हैं जो कि सोच नहीं सकते, सिर्फ सांस ले सकते हैं। मैं जानवर तक की बात, कीड़े मकोड़ों तक की बात कर रहा हूं कि जिंदगी है, लेकिन हमारी तरह सोच सकते हैं, हमारी तरह रह सकते हैं? नहीं। फिर भी क्या वो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं? नहीं। आप एक चींटी को मारने की कोशिश करो, देखो भागने की कोशिश करेगी, वो चींटी हमें काटेगी। लेकिन इंसान जो इतना क्रिएटिव है कि एक एनर्जी को मैच कर सकता है, चांद तक पहुंच सकता है, लेकिन अपने ही दिमाग, अपने ही मन से हार के सुसाइड की तरफ जाता है। इसलिए आप सभी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, अपने मन को बहुत ऊंचे स्तर पे रखो, खुश रहो यार। कैसी भी जिंदगी हो, भले दाल रोटी भी खाने को मिले, खुश रहो, बी हैप्पी, क्योंकि ये टेम्पररी पीरियड है, ये जीवन भी टेम्पररी है। तो क्यों इसको परमानेंट सोच रहे हो? क्या आजीवन रहने वाले हम? भीष्म पितामह को आमरण, उन्हें एक इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन वो भी गए। तो हम क्या चीज हैं? कुछ समय के लिए आए हैं, 60, 70, 80 यही साल है, लेकिन हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि जिंदगी भर रहना है, और स्ट्रेस को अपने लाइफ में जगह दे देते हैं। तो आज मेरा मूल मंत्र यही है कि लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में ही जियो। उस वर्तमान को कितना अच्छा कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो, 100% दे सकते हो, उसके साथ रहो और खुश रहो। खुश रह के जो काम करना है करो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप अपने हिसाब से खुश रहो और अपने 100% दो, लिव इन प्रेजेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, कुछ समय के लिए थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। ध्यान, मेडिटेशन अगर आप करेंगे, थोड़ा मेडिटेट करेंगे, यू विल फील योर इंटरनल एनर्जी, अंदरूनी ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर है, बहुत ताकतवर है, हमें कभी भी गिरने नहीं देगी। इतनी ताकतवर है कि पांचों तत्व शरीर के मिलके हमें कभी भी निराश नहीं होने देंगे। हमारी चक्राएं, जो 7 चक्राएं हैं, वो मूलाधार हुआ, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रारा चक्र, 7 चक्र जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। कभी उसके बारे में थोड़ा बैठ के इमोशनली उस चीज को रीड कीजिए, माइंड के साथ, सांसों पे ध्यान दीजिए। देखिए द एनर्जी व्हाट यू विल फील नेवर बिफोर अगेन। कभी माइंड में आएगा ही नहीं कि आपके पास कभी कोई नेगेटिविटी थी। बस अपने जिंदगी को खुशनुमा बनाइए, लिव इन ए पॉजिटिव वे। जब तक ये सांस मिली है, शरीर मिला है, दोनों की बहुत कदर करना जरूरी है, क्योंकि सांस के बिना शरीर, शरीर के बिना सांस, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर को भी स्वस्थ रखिए, मन को भी स्वस्थ रखिए, और दोनों तब स्वस्थ होगा जब आप श्वास को, प्राणायाम को बेहतर ढंग से करेंगे। बस यही कहना था। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये जो अभी एपिसोड हुआ द गाय सुशांत सिंह राजपूत का, जो सुसाइडल टेंडेंसी हुआ, उसके पहले भी बहुत सारे एक्टर ने सुसाइड किया। स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा न्यूज में कि कुछ ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी औरा को, अपने मन की स्थिति को अगर आप मजबूत करके रखते हो तो यकीन मानिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है और आप बहुत ही खुश रहोगे। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, अपने मन को बहुत ही स्ट्रांग रखिए। और माफी चाहता हूं अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो या गलत लगा हो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरा मन या मेरी इंटेंशन ऐसा नहीं है किसी को भी ठेस पहुंचाने का। मैं चाहता हूं खाली जागरूक रहो कि ये जिंदगी एक बार मिली है, कुछ सालों के लिए, बस इसे सही ढंग से जियो, वर्तमान में जियो। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बिकम ए पर्सन इन दिस पीरियड बहुत ही स्ट्रांग रहना जरूरी है, बहुत ही स्ट्रांग रहना जरूरी है। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।